आपने बताया कि जो किडनी पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस होता है वो किस तरह से डायलिसिस से बच जाते हैं और किडनी जो है प्रॉपर वापस हील हो जाती है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जिसकी किडनी खराब हो गई वो ट्रांसप्लांट ही कराता है या मर जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लाखों में जो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन डायलिसिस कराते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा डायलिसिस क्या है, बहुत ही सिंपल है, आधे मिनट में समझ जाएंगे। आप जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं उसमें कुछ चीज़ें बॉडी उपयोग में लाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कुछ चीज़ें बॉडी यूज़ नहीं कर पाता है, तो आप यूरिन पेशाब के रास्ते उनको बाहर फेंक देते हैं। तो वो पेशाब कैसे बनता है, वो किडनी का काम होता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं पेशाब में जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी ने उसको बाहर भेज दिया। क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे मोटे प्रोटीन हैं अलग अलग तरह के जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी ने पेशाब किया। आप बोलेंगे अरे मुझे पेशाब आ रहा है, तो वो किडनी ने बाहर भेजने का तैयारी कर ली है और आप गए और आपने अपने आप को हल्का किया, ठीक हो गया। ये तो हुआ नॉर्मल, आपका बॉडी खुद ही आपका डायलिसिस कर रहा है। डायलिसिस ये है, हमारा बॉडी हमारे अंदर की जो चीज़ जो हमें नहीं चाहिए वो बाहर फेंकने का रास्ता बनाया, इसे कहते हैं डायलिसिस। यानी कि हमारे सबकी बॉडी करती है इसको। अगर वो करना बंद कर दे, किडनी अपना काम करना बंद कर दे, अब जब मैं पानी पी रहा हूँ और बॉडी को उनमें से कई सारी चीज़ नहीं चाहिए लेकिन बाहर का रास्ता बंद है, तो बॉडी क्या करेगा, गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह, उस पानी को, उस फ्लूइड को बॉडी में ही इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे लोगों के पैर आप देखेंगे हाथी की तरह हो जाते हैं, सूज जाते पैर, हाथ सूज जाते हैं, पैर हाथ सूज जाते हैं, गले मुंह सूज जाता है। तो क्या है, उनका जो यूरिन आउटपुट है पेशाब या तो कम हो गया है या खत्म हो गया है। अगर आपसे बोलें कि एक दिन बिना पेशाब किए रहना है, इम्पॉसिबल, कितना दर्दनाक हो सकता है। और ऐसे लोग फिर मशीन की मदद लेते हैं, वो मशीन वो खींचता है खून में से वो ऐसे पानी जो खराब है और निकाल के बाहर करता है। इसका मतलब हर दूसरे दिन उसको ऐसा करना पड़ता है और दूसरे दिन तक बॉडी में पानी जमा रहता है। और जबकि बॉडी में पानी जमा रहेगा तो उसका हार्ट के ऊपर भी बोझ है, लंग्स के ऊपर भी बोझ है, हर दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है, हर दिन वो मरता जा रहा है, डायलिसिस कराने के बावजूद भी या डायलिसिस कराने की वजह से भी, क्योंकि डायलिसिस भी किडनी को और फर्दर खराब करती है। तो अब आपको समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, डायलिसिस किसे कहते हैं, किडनी खराब होना किसे कहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानेंगे कैसे। आप जब देखेंगे, हम कैसे पहचानते हैं ऐसा पेशेंट को, कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऊपर से नीचे देखेंगे, अगर पैर हाथ में सूजन है थोड़ा बहुत भी, तो समझ लीजिए कि किडनी फेलियर की तरफ आप बढ़ चुके हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। पहली बात, जब सूजन होती है बॉडी में पानी जम जाता है तो सांसें भी नहीं ले पाता है, मुश्किल से लेता है, तो ये भी गड़बड़ है। वो चलता है थक जाता है, ये भी गड़बड़ है। तो ये तो हो गया, अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आपके बॉडी के अंदर से पानी को निकालना है। उसके लिए बड़ा आसान गॉड का दिया हुआ सॉल्यूशन आपके पास ही है इसी वक्त। थर्ड किडनी किसे कहते हैं, आपका स्किन, सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन। आपके स्किन में देखेंगे छोटे छोटे छेद हैं, है ना, तो ये जो छेद हैं, ये छेद से पसीना निकलता है। आप पसीने का एक बूंद लीजिए, पेशाब का एक बूंद लीजिए, दोनों को लैब में ले जाइए, अब पूछिए कि इसमें क्या है। पेशाब के एक बूंद में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारा कुछ मिलेगा जो पसीने के एक बूंद में मिलेगा। अच्छा, हाँ, यानी कि पसीना और पेशाब सेम है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी पोटेशियम, उसमें भी पोटेशियम है। आपका पसीना एक तरह से बॉडी का पेशाब का ही एक और फॉर्म है। आपका जो स्किन है ये भी भगवान का बनाया हुआ इमरजेंसी किडनी है, इमरजेंसी किडनी। तो उस इंसान का जिसके दोनों किडनी खराब हो गए, अब क्या करेंगे, ये जो स्टेपनी है, मैं इसको स्टेपनी बोलता हूँ, आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, आप स्टेपनी यूज करते ना, तो हम बोलते हैं कि ये स्किन को यूज कर लो, स्किन से बाहर निकाल दो,
अब सवाल आता है स्किन से कैसे निकालें। स्किन से निकालने के तरीके, अभी बाथटब का वीडियो प्लीज चला दें। ओके, हमारे चलाओ वीडियो बाथटब का। हमारे हॉस्पिटल में हिम्स हॉस्पिटल है, डेराबसी में है, अभी जलंधर में भी खुल गया है, आप देखिए यहाँ पे वीडियो। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये पानी के टब में बैठे हुए हैं। पानी का टेम्परेचर याद रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी गले तक है। गले तक पानी अगर हो, उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाएं, और ये लोग अगर 2 घंटे बैठ पाएं, तो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे सुबह शाम के एक ही बार, एक बार या फिर एक एक घंटा 2 बार। अच्छा, ऐसा करने से, ये सारे किडनी पेशेंट हैं, ये वो पेशेंट हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जाते थे, लेकिन अब वो जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसा करते हैं, इससे उनकी तीसरी किडनी से वो सारा जो मल है, जो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था, वो निकल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, और ऐसे टप में, कोई भी टप में बैठ जाना है, कोई भी टप हो, और उसमें जो पानी है उसे 40 डिग्री पे ही रखना है। 40 डिग्री पे रखना है। और नापना कैसे? थर्मामीटर से? थर्मामीटर आप 150-200 रुपए का मिल जाएगा, पानी नापने वाला, जो पानी नापने स्पेशल थर्मामीटर, स्पेशल थर्मामीटर 150-200 में मिल जाएगा। हाँ, उसको चेक करते रहना कि वो 40 डिग्री पे मेंटेन रहे। अगर कम हो गया, गर्म पानी डाल देना। 2 घंटे बैठना है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है कि किडनी हील भी होगी? इसमें मैं आता हूँ। हाँ, ये किडनी हील होगी, लेकिन कैसे? दो चीज होगा उसके साथ। आप अगर ये करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस इंसान का पहले आप बोलिए कि वजन करे, क्योंकि वजन में वो अंदर पानी है। 2 घंटे बाद दोबारा वजन करेंगे तो 0.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वजन कम मिलेगा। मतलब बाहर आ गया, वो बाहर आ गया, पहली बात। आप एक और काम करें, उनके पैरों के सूजन के फोटो खींच लें, 2 घंटे बाद दोबारा देखें, अरे सूजन कहाँ गया? अरे बाहर चला गया, उसको बॉडी ने बाहर भेज दिया। एक और काम करें, किडनी पेशेंट की एक दिक्कत होती है, उनका बीपी बहुत हाई रहता है। क्यों? गुब्बारे को जैसे फुलाएंगे तो प्रेशर बढ़ गया ना, तो बॉडी भी तो गुब्बारे की तरह फूल रही है, पानी अंदर डल डल के, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो चाहे कितनी भी दवा खा लें किडनी का पेशेंट, प्रेशर उनका बहुत ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर। अच्छा, लेकिन तो अब पहले प्रेशर नाप लें, ज्यादा ही मिलेगा 200/100। अब पानी में बिठाएं, और अब पानी में बिठाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा प्रेशर नापें, तो प्रेशर कम हो जाएगा, कम से कम 40 यूनिट कम हो जाता है, किसी का 20 यूनिट कम हो जाता है, कम जरूर होता है, हर एक का कम होता है। तो जो जो मेन सिम्टम होते हैं किडनी पेशेंट के, वो सारे सिम्टम, एक क्लासिक सिम्टम होता है, मोस्टली बोलते हैं कि किडनी आपकी श्रिंक हो गई है जी। हाँ, किडनी सुंगड़ गई है, सिकुड़ गई है, वो काम नहीं कर रही। हाँ, वो फिर से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसे ही रखना पड़ेगा पेशेंट को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सवाल बहुत सारे पेशेंट ठीक होने के बाद भी पूछते हैं। ठीक होना कैसे पता चल गया? कि अब उनको ये करने की जरूरत नहीं है, 3 महीना लगातार करने के बाद अब करने की जरूरत ही नहीं है, अब पेशाब भी नॉर्मल हो रहा है, सूजन भी नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, यानी ठीक हो गया। लेकिन क्रिएटिनिन और यूरिया, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ गया, यूरिया भी नॉर्मल आ गया, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल हो गया। हाँ, ब्रीदिंग भी नॉर्मल है। साइज किडनी का अब आता है, साइज, तो साइज के लिए वो बोलता है तो DTPA स्कैन करने बोलते हैं। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन स्कैन कराते हैं, तो पहले वाला साइज उसके पास था, पहले भी स्कैन कराया था, 3 महीने बाद दोबारा स्कैन कराते हैं, तो स्कैन में वो साइज बढ़ी हुई दिखाई देती है। मतलब वो किडनी जो है वो बढ़ चुकी है, फिर से साइज उसका अच्छा हो रहा है, अच्छा हो गया, और ये स्कैनिंग बताती है। हाँ, और वो जो स्कैनिंग बताती है, वो स्कैन पहले और बाद के, वो किताब में है, और ये किताब मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से इसका लॉन्च हो जाए। हाँ, ठीक है। हाँ, और ये जो किताब को बनाने में, ऑब्जर्वेशन स्टडी में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, हमारे डॉक्टर संजीव सूद जी हैं, आप भी एक बार आ जाएं, डॉक्टर गगन है ये भी आ जाएं, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में इन्होंने हमारे साथ मिलके हमें मदद करते हुए इस चीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम किया। प्लीज आ जाएं डॉक्टर अनु, प्लीज कम। किताबें और भी हैं, 2 ले आते हैं। इसका नाम है प्रत्यारोपण, यानी किडनी ट्रांसप्लांट का अंत। अंत किडनी, आपकी खुद की किडनी ही काम करेगी, किसी और की किडनी की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का दिया हुआ किडनी, उसी को स्टार्ट करना है, उसी को काम करना है। तारीफ करो सब।
अच्छा, हमने कितने ऐसे लोग आपके लोग मोहल्ले में ऐसे आपने देखे होंगे जो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, डायलिसिस नहीं करा सकते, मर जाते हैं? देखे कि नहीं देखे? चर्च में हील होते हमने देखे हैं, लेकिन जो बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हमने हॉस्पिटल्स में देखा है। मेरे फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल चलाते हैं चैरिटेबल, वो बताते हैं कि किडनी पेशेंट किस तरह से आते हैं और उनके पास मशीन्स नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है और लोग ऐसे ही मर रहे हैं। और देखो जब जब डाइट का जिक्र होता है तो यकीन नहीं होता था कि डाइट से कैसे कोई हील हो सकता है, और ये भी यकीन नहीं हो रहा कि बाथरूम में बैठ के या ऐसे ऐसे करके कैसे कोई हील हो सकता। और उसको उसको खाना क्या है किडनी पेशेंट को? सेम DIP डाइट प्लस ये जो मैंने बताया, ये दो घंटे बैठना है। कई बार लोग दो घंटे नहीं बैठ पाते तो एक घंटा करके दो बार बैठ लिया। कई बार एक घंटा भी नहीं बैठ पाते, चलो 40-40 मिनट करके तीन बार बैठ गए। दो घंटे का आपको रूटीन पूरे दिन भर में, दो घंटे बैठते ना तो यहाँ से जितने पोर्स हैं तब जाके पूरा निकलता है, ये एक रूटीन बनता है। और 3 महीने बाद फिर उसकी किडनी अपने आप काम भी करना शुरू करती है, अपने आप काम करना शुरू करती है, तो फिर ये बंद कर देना है। डाइट चलेगा जिंदगी भर, डाइट चलेगी, हाँ, इसको बंद कर देना है, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मल रहेगा। पेशेंट अब वो पेशेंट ही नहीं है, अब वो पेशेंट नहीं है, वो आप और हम जैसे है, नॉर्मल हो गया वो। हमारे दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।